aby pěkně tak skvělý dnes, když se vyplatí se zajímu, to contingency to. एक टेस्ट रन किया होगा किसी ने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ये तीनों एक ही चीज है। क्रॉसटेप क्या होता है कि हम बेसिकली दो टेबल्स को दो रिस्पोंडेंट्स को इकट्ठा मेजर करें। फॉर एग्जांपल हम ये पता करना चाह रहे हैं कि जो मोबाइल यूजेज है उसका एज वाइज कब क्या रिजल्ट पाए। दो चीजें, एक क्वेश्चन नंबर 4 है अच्छा क्या हुआ कि हम अब देखिए मेन क्वेश्चन हमारा ये जो भी क्रॉस टैग बनेगा इसका बनेगा विद रिमेनिंग टेबल रिमेनिंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आपने बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। यानी हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि मोबाइल फोन की डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता चल गई थी कि जी जो भी अभी हमने निकाली हुई है ये। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये जो 14% है इसमें एज ग्रुप के कौन कौन से शामिल है। एज ग्रुप कौन कौन से यानी 36% में एज ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 14 में इसी तरीके से। तो इसमें जो चीज बनती है उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं क्रॉस टेबल्स या क्रॉस टेबल्स या कंटीजेंसी टेबल्स। बनते किस तरीके जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि आपने चलो बना के देखिए ठीक है। अच्छा जी बनाने कहां से रूट क्या हुआ एनालाइज डिस्क्रिप्टिव और यहाँ देखिए क्रॉस टैग। रूट आपका क्या है नहीं लिख रहे रूट है एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और क्रॉस टैग। ठीक है ये रूप जरूर दिखा सकते हमने हमने लिख दिया कर दिया। अब यहाँ पर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस जो चार्ट आया वो इस तरीके से कि रोज किसको कर रहा है रिप्रेजेंट और कॉलम किसको। अब ये देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमने बेसिकली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दी है अदर क्वेश्चन तो रोज में ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 4 को बाकी किसी को भी बाकी दूसरा जो है वो कॉलम में जो है वो आपका अदर क्वेश्चन यानी हमने कहा क्वेश्चन नंबर 4 इज मोबाइल यूजेज ये आ गए यहाँ पर। ठीक है और उसके बाद वो कह रहे हैं एज ग्रुप जो है वो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गई बात। अभी फिलहाल सिंपल क्वेश्चन सिंपल एक क्रॉस टेस्ट है ये। ठीक है अच्छा इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल जो थे ना वो 7 थे आउट ऑफ 50 टोटल जो थे यानी लेस देन 1 आवर में जो टोटल थे वो आपके कितने थे 7 थे। अब वो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती 3 3 और 1 समझ आ गई बात। यानी हम 50 में से देखें 50 ओब्लिक 7 जो है 14% पर ठीक है ना। जैसे अब अगर ऊपर देखें इसका वो जो एज वाइज देख लेते हैं ना हमने तो परसेंटेज ली थी ना डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी और
कितने? नहीं ये क्या चीज थी? नहीं नहीं इसमें है ना, ये कितने हैं? हमने सवाल ये किया था ना कि इन सेवन में अब हमने देखना है कि एज ग्रुप की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या बन रही है एज ग्रुप, जो कि हमारी तीन कैटेगरीज थी, लेस देन 25 और 35 और मोर देन 35, तो 3, 3 और 1 की डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पास तो हो गया। ठीक है मेरा, ये हमारा जो अब हमारा ये क्रॉस है, इसको हम क्या है देखा ना ऊपर क्या चीज दिखी हुई है, मोबाइल फोन इनटू एज एज क्रॉस टेन। ठीक है बात, अब इसको इंटरप्रेट करना है, लेकिन इसको इंटरप्रेट करना है, लेकिन हमने इसको पहले सबसे पहले किस पे करेंगे, इसको परसेंटेज में करेंगे। परसेंटेज में कैसे करेंगे, एनालाइज मैं उसको छोड़ दिया था कभी क्रॉस टैब का कॉन्सेप्ट है, इसमें आ रहे एग्जिट सेल्स सर। अब देखिए हमारा मेन वेरिएबल किसमें था, मोबाइल रोज में, किसमें था रोज में, तो आपको परसेंटेज लेनी होगी किसमें, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसको यहाँ चेक करें। ठीक है, कंटिन्यू किया, एक और काम करना है आपको, स्टैटिस्टिक्स करनी है यहाँ पर काइस को, ये दो काम, एक काम क्या किया आपने कि आपने परसेंटेज निकाली किसमें, रो वाइज। ठीक है, क्यों रो वाइज किए, क्योंकि हमारा मेन वेरिएबल जो है वो रोज में अप्लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, और ये काई स्क्वायर हम कर रहे हैं बेसिकली ये चेक करने के लिए कि आया इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल यूज एंड एज, कोई इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं, आर दे इंडिपेंडेंट, जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है इसका जो नल हाइपोथेसिस होता है, इसका जो नल हाइपोथेसिस हो क्या होता है, बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक हो गई बात, समझ आ गई बात, अब आपने इसको ओके कर दिया, दोनों काम कर दी, ओके कर दिया, थोड़ा सा जाहिर है बड़ा बनेगा तो हम इसको कॉपी करते हैं सीधा सीधा एक्सेल। और यहाँ पर जो है वो कितने आएंगे, ये 100% आ रहा है, रो वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकाली हुई है। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ कि आप क्या कहेंगे, अब इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, और इंटरप्रेट का तरीके का फॉर्मेट जो है वो वही है कि आप पहले इसको लेंगे और इसमें जो मैक्सिमम है उसको पहले लेंगे, फिर बाकी वाइज लेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे किस तरीके से कि द क्रॉस टैब लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, अकॉर्डिंग टू आवर सर्वे द जॉइंट टेबल और क्रॉस टेबल बिटवीन मोबाइल यूजेज एंड एज, मोबाइल यूजेज एंड एज ग्रुप
is as follows. Within the category of less than 1 hour usage, daily usage, within the category of less than 1 hour daily usage, ...43% of the respondents belongs to both less than 25 years age group and between 25 and 35 years age group respectively. लिखना जरूरी है तो दोनों में अलग अलग age group respective, and the remaining 14%, say 14.3% likhne bhej, 14.3% of the respondents belongs to more than 35 years of age group. Baat samajh aa gayi? अब इसका एक और तरीके कार भी है. वैसे तो ये पैटर्न तो यही है कि आपने जो परसेंटेज है वो किस पे लेनी है, अपने अपने आप मोबाइल यूजेज पे लेनी है, लेकिन आप इसकी एज ग्रुप को भी परसेंटेज लेकर उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन बार अभी फिलहाल इसी तरह जाएंगे. तो ये तीनों पांचों को आपने इस तरह कर दिया, ठीक है, क्लियर. उसके बाद क्या करेंगे ना, उसी तरीके से कैटेगराइज लेस यूजेज, मॉडरेट यूजेज और हाई यूजेज, ठीक है. और उसमें हम बेसिकली इनको ऐड कर देंगे, ठीक है. कितना परसेंट, 43 और 43 कितना आ जाएगा, 86%. ये 86% और ये कितना है, 43, ठीक है. इसी तरीके से ये जितना भी आया, ये 100% ही है, ये भी 100% है, ये भी 100% है, और ये बता कितना है, 91.7 यानी 92 क्या है, ये 1% है, इसको 92 का. ठीक है, मतलब एक ही बात है कि आप परसेंटेज को ऐड कर लें या फिर 3 + 3 = 6, 6 / 7 86% आएगा, एक ही बात, कोई फर्क नहीं है, ठीक है. बात समझ आ गई, लिखें जरा इसका पूरा पैराग्राफ. मैंने पहला जुमला लिखा दिया इसके लिए, अब आपको बेसिकली ये 4 sentences इसके लिखने, फिर उसके बाद 3 sentences आएंगे इनके less usage, moderate usage और high usage, और उसके बाद आपको बेसिकली ओवरऑल कमेंट्स करना है कि जी मैक्सिमम जो है वो आपका जो है वो किस पे आ रहा है, मैक्सिमम किस पे आ रहा है आपके पास, इस पे क्या करना है, मॉडरेट लेस यूजेज पे ही आ रहा है, मैक्सिमम किस पे आ रहा है, यूजेज बिटवीन 1 to 3 आ रहा है. हम पहले भी देख चुके हैं कि आपने जो पहला मोबाइल यूजेज की जो इंटरप्रिटेशन की थी उसमें भी जो मैक्सिमम आया था वो किस पे आया था, कंक्लूजन हमारा जी पे था, जी पे था ना, जी सर देख लो, जी पे मेरा काम किसी को जी पे था, काम किया था मुझे आप भी ये जी पे, तो जाहिर है ये सारे आपस में लिंक है बेसिकली, जो भी बात होगी वो उसी पर, ठीक है. लिखे जरा एक मिनट, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली असाइनमेंट मुझे नेक्स्ट वीक चाहिए, ये काम आपका उससे नेक्स्ट रेफरेंस में रखें,
एक एक करते करते ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक के साथ ठीक है। आप मिलके कर सकते हैं अपना जो भी करना चाहे, कोई ऐसा इश्यू नहीं, वो सबके पास एक ही रहता है, मुझे कोई इश्यू नहीं, लेकिन ये कि एटलीस्ट सब जो है वो सबमिट जरूर करें क्योंकि मार्क है ये आखिर में जो मैंने 25 मार्क्स देने वो इसी के बेसिस पे देने ठीक है। लिखे जरा और पेपर किस किसने देना।